आपको एक मैसेज देना है, कोई फ्रेशर कैंडिडेट आ रहा है, तो आप क्या मैसेज दोगे? मराठी में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कुछ बेसिक तो नॉर्मल मतलब नॉलेज चाहिए कि जो समझ में आ जाए कि ये करना रहता है, वो करना रहता है, मतलब भले किया नहीं हो लेकिन कुछ तो मतलब आता चाहिए, मतलब आना मांगता है उसमें का, कुछ बेसिक नॉलेज तो रहना ही चाहिए। और अगर एक्सपेक्टेशन उसकी सैलरी का 10,000 हो तो आप क्या बोलते हो फिर? और कुछ नहीं आता हो? नहीं सर, फिर तो इम्पॉसिबल है उसको। पर वो बोलेगा मेरी फैमिली है, मेरे को घर संभालना है, तो कितना जायज़ है उसको? कितना जायज़ मतलब मैं अगर 8,000 दे रहा हूँ और मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 तक, 8,000 ओके ओके ज़्यादा। तो कैंडिडेट अगर मेरे पास आता है तो उसको क्या सीख के आना चाहिए आपकी तरफ से? कुछ तो सर बेसिक तो कुछ मतलब जो भी अपन फील्ड में जाते हैं उसको कुछ तो बेसिक तो पहले कुछ रेफर करना ही मांगता है बस। ओके ओके। और अगर बेसिक भी रेफर नहीं किया और बोलेगा मेरा मेरे को मिनिमम सैलरी 10,000 चाहिए? इम्पॉसिबल। और कोई कैंडिडेट को और कुछ मैसेज? बस पढ़ के बस तो कुछ के बेसिक करके आना ही चाहिए, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो 100% है लेकिन 5% तो कुछ नॉलेज चाहिए चाहिए उसका। ओके बेसिक तो कुछ 500 तो कुछ तो चाहिए चाहिए। ओके तो अभी आप जब यहाँ पे आए मेरे साथ मेरे पास इंटरव्यू देने, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो सर मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन मैंने 2 वीक्स तो काम किया था एक दोस्त की जगह पे, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक तो नॉलेज था, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि सर ऐसे ऐसा होता है, ऐसा होता है करके। बट आपको आपके वीकनेसेस मालूम पड़े? हाँ वीकनेसेस तो सर पता रहे, पता चल गया, वैसे पता चल गया। हाँ ओके, सो इम्प्रूवमेंट करोगे अभी आप? यस सर। नो इशू। सो दैट्स मी गाइज, ये तीनों के इंटरव्यू ले रहा था मैं अभी अभी, और ये दो बंदे खड़े हैं यहाँ पे, वो बंदा पीछे मुड़ के देख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा फेस। सो गाइज़ अगर आप आओ मेरे पास ना, तो बेसिक जैसे इस बंदे ने बोला, बेसिक अपना क्लियर करके आओ, नहीं तो फूड पिकअप में मैं डाल दूँगा 8,000 में, उसमें सेटिस्फाई हो जाओ, तो वैसा वो बोल रहा हूँ मैं बस। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ आडियोस एंड रीड द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट्स ऑल।